दोस्तों बिग बॉस ओटीटी के धमाकेदार ग्रैंड फिनाले को शुरू होने में अब केवल कुछ ही घंटों का समय बाकी बचा है और ऐसे में ऐसी ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही है जो कि फैंस को भी काफी मजा आएगा सुनने में। दरअसल दोस्तों अब जो खबर आई है बादशाह को लेकर आई है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था, बादशाह आज घर के अंदर आए हैं। उन्होंने ग्रैंड फिनाले के लिए स्टेज पर आकर लाइव कॉन्सर्ट किया है, स्टेज परफॉर्मेंस दी है और सबके लिए गाने गाए हैं। लेकिन इसी के साथ जब सलमान खान द्वारा ये पूछा गया कि आपके अनुसार शो का विनर कौन बनेगा, बताइए पांचों फाइनलिस्ट में से किसको विनर देखना चाहते हैं, इस पर दोस्तों बादशाह ने डायरेक्टली तो नहीं कहा, दोनों के लिए सपोर्ट दिखाया और कहा कि देखो मैं तो इस चीज में बिल्कुल गेस नहीं कर पाऊंगा भाई, मेरे लिए बहुत मुश्किल है ये चीज, क्योंकि देखो एल्विस कम आया है लेकिन उसकी जो जर्नी है, उसने जो इम्पैक्ट डाला है अपनी जर्नी के दौरान, वो वाकई बहुत लाजवाब है, सबको बहुत पसंद आ रहा है, चारों तरफ सिस्टम है। और अपना अभिषेक भाई जो है उसने पूरा सीजन बहुत बढ़िया खेला है, उसकी भी जर्नी यादगार रही है, तो ऐसे में मेरा गेस करना तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, जनता जो बोले कि उनका फैसला सराखों पर है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें कि बादशाह ने घर के बाहर रहते हुए एल्विस भाई को जमकर सपोर्ट किया है और उनके लिए फैंस से वोट के लिए अपील भी की थी और यहाँ पर अपनी जो आईडी है इंस्टा आईडी उस पर एल्विस भाई के लिए स्टोरी भी लगाई थी। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बादशाह तो अपने दोस्त एल्विस को विनर देखना चाहते हैं। फिलहाल आप इस धमाकेदार शो के धमाकेदार ग्रैंड फिनाले को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट में जरूर बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ।